Good morning, class one. How are you all? I hope you all are fine and healthy. सब बच्चे अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे. स्टार्ट करें आज की क्लास. ओके, सो आज हम हिंदी लिटरेचर में देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ई यानी कौन सी वाली, इमली, छोटी ई, इसकी मात्रा पढ़ेंगे. ठीक है, अभी बुक एक्सरसाइज करने से पहले अभी मैम आज की क्लास में जो हमारी ई की मात्रा है उससे कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं, किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है, उसका परिचय करेंगे. परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा बुक एक्सरसाइज है उस पर मूव ऑन करेंगे. ओके, और साथ ही आज की क्लास में जो हमारा लास्ट क्लास में हम क्या कर चुके हैं हिंदी लिटरेचर में, समझदार राजन, हमने बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और नोटबुक वर्क भी आपने किया था ना. पांच शब्द लिखे थे, शब्दार्थ भी लिखे थे और वाक्य प्रयोग. अब आज मैम आपको एक होमवर्क भी देगी, वो समझदार राजन का ही भाग है. दो प्रश्न उत्तर है जो आपको अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करने हैं. ठीक है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे. प्रेप क्लास में आप नोटबुक में वर्क प्रश्नोत्तर नहीं करते थे ना, बट अभी हम क्लास वन में करेंगे. दो ही प्रश्नोत्तर हैं, मैम ने दो ही दिए स्मॉल से, तो बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में धीरे धीरे वर्क करेंगे. सो आज के वीडियो में ये दो चीज़ें इंक्लूड है. ठीक है, फर्स्ट हम ई मात्रा का, छोटी ई स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इमली, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और जो आपका समझदार राजन है उसके जो दो प्रश्न उत्तर हैं वो इस ई मात्रा के परिचय के बाद मैं आपको समझाऊंगी. सो चलो देखो, ई की मात्रा दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो ये वाली जो डंडी लगी है यानी आगे वाली. अच्छा चलो अभी मैम एक एग्जांपल देते हैं. जब आप स्कूल में प्रेयर करते थे ना, तो मैम नहीं बोलती थी छोटे बच्चे लाइन में आगे लगो, बड़े बच्चे पीछे चलो. ठीक है, सो जैसे तो जो छोटी ई है ना यानी इमली वाली, सेम वो भी मात्रा कहाँ लगती है, किसी भी शब्द के आगे लगती है. क्यों आगे लगती है, इसको आप कैसे याद रखोगे, छोटे बच्चे लाइन में आगे खड़े होते थे तो वैसे ये तो छोटी ई है, इमली वाली है, बड़ी ई तो अभी हम बाद में सीखेंगे. तो छोटी ई जो होती है वो शब्दों के आगे लगती है. और एक चीज़ और आपको मैम बताते हैं, ठीक है, वो आपके बुक में नहीं है. जब भी हम छोटी ई मात्रा वाले शब्द बोलते हैं ना, तो उस पर कम जोर दिया जाता है, कम जोर यानी कम स्ट्रेस लगता है. अभी ये कैसे होता है चलो समझते हैं. देखो छोटी ई की मात्रा ग प्लस ल आ प्लस स, गिलास. अब मैम ने जब गिलास पे छोटी की मात्रा लगे तो मैम ने ग पे कम स्ट्रेस दिया. मैम ने ऐसे नहीं बोला गिलास, मैम ने क्या बोला, गिलास. स्ट्रेस कम लगा ना. तो ऐसे शब्द जब छोटी मात्रा का हम प्रयोग करते हैं ना, तो उसको बोलते समय इनमें थोड़ा जोर कम लगाया जाता है, गिलास. ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं बोलते गिलास, स्ट्रेस नहीं लगाना. अब जैसे देखो ये है र प्लस छोटी की मात्रा प्लस व, रवि. ठीक है, इसको मैम ने कैसे बोला, रवि. मैम ने ऐसे बोला रवि, मैम ने स्ट्रेस दिया क्या, व को खींचा नहीं ना. सो र प्लस छोटी ई प्लस व, व पे छोटी की मात्रा लगी तो क्या बनेगा, वी. अब र और वी को मिला दिया तो रवि, रवि यानी सूर्य. जैसे आपके भी दो नाम होते हैं ना स्कूल में, कुछ और नाम होता है, मम्मा किसी और नाम से बुलाती है आपको प्यार से, तो वैसे ही जो सूर्य है ना उसके भी बहुत सारे नाम होते हैं. ठीक है, आया समझ में. चलो अभी हम आगे चलते हैं. अब ये देखो छोटी ई की मात्रा प्लस प प्लस त प्लस आ की मात्रा, पिता. पिता यानी पापा, फादर. ठीक है, सो इसको आप कैसे बोलते हो, पिता. यानी जब आपको, जब आपने प पे छोटी ई की मात्रा लगाई तो हम उस पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुके, पिता. आपने ऐसे बोला क्या, पिता. स्ट्रेस लगा नहीं ना, पिता. तो प पे छोटी की मात्रा लगी तो क्या बनेगा, पिता. और छोटी की मात्रा हमेशा शब्द के कहाँ लगती है, आगे लगती है. प के आगे लगी है ना, देखो प के पीछे लगाई है क्या मैम ने, नहीं ना. समझ आया. चलो और एग्जांपल देखें. अब ये देखो छोटी की मात्रा प्लस साफ वाला स प्लस त आ ता प्लस र, स ई सी प्लस त आ प्लस र सी तार, सितार बजाते हैं ना. ठीक है, नेक्स्ट देखो ह पे छोटी की मात्रा, छोटी यानी शब्दों के आगे लगेगी. अब आपको जब भी मैम बोले ना कि ह पे छोटी की मात्रा लगाओ, न पे लगाओ, प पे लगाओ, तो उसके आगे लगाओगे या पीछे लगाओगे, आगे लगाएंगे. छोटे बच्चे कहाँ खड़े होते हैं, आगे खड़े होते हैं ना,
सो छोटी की मात्रा भी शब्दों के आगे लगती है। आप जो लिखते हैं ना, हम स्वर व्यंजन कुछ भी, उसमें हमेशा उनके मिलाप में आगे लगती है। सो हिरन। नेक्स्ट देखेंगे किताब। क पे कहाँ लगी है, देखो आगे लगी है ना, किताब यानी बुक। अब ये क्या है बताओ, फार्मर यानी किसान। क पे छोटी की मात्रा आगे लगी है तो क्या बन जाएगा, की। स, स पे आ की मात्रा लगाओ, सा, की सा, उसमें न जोड़ दो, न, की सा न, किसान। ठीक है, सो नाउ ये देखो, ये हमारे कुछ जो भी आपको मैम ने दिखाया ना, किताब, हिरन, सितार, पिता, रवि, गिलास, ठीक है, ये सब किसके शब्द थे, ई मात्रा के शब्द। ठीक है, सो आज मैम ने उसका जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट लिया, आपको थोड़ा सा हमने कुछ शब्द पढ़े हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ई की मात्रा के शब्द कैसे बोले जाते हैं, ई की मात्रा आगे लगती है या पीछे लगती है। ओके, अभी जो बुक वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी जो होमवर्क है वो करते हैं। ठीक है, होमवर्क वाला जो वीडियो है मैम उसका PDF असाइनमेंट कॉलम में शेयर करेगी, वो आपको आपकी नोटबुक में करना है। ठीक है, सो आपका आज वही होमवर्क है और ई की मात्रा के शब्द हम इस वीडियो की सहायता से अच्छे से पढ़ेंगे, बुक वाला हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। सो क्लास वन, चलो ये होमवर्क की बात, ठीक है, जो भी मैम ने आपको बताया था ना, समझदार राजन जो है उसके दो प्रश्नोत्तर है जो लास्ट क्लास में रह गए थे, तो वो अभी आपका होमवर्क है। डेट लगाओगे 5th of May 2021, गृह कार्य बुधवार। प्रश्नोत्तर लिखोगे, वन लाइन लीव करी, क, बरसात में कौन नाचता है, उत्तर, ये ऊ के पास मैम ने जो डॉट लगाया ना, उत्तर, उसका पूरा नाम उत्तर है यानी आंसर, बरसात में मोर नाचता है। फिर वन लाइन लीव करोगे, फिर ख, बाजार में क्या क्या मिलता है, पांच नाम लिखने आपको। सो क्या होगा उत्तर, गाजर, कौमा टमाटर, कौमा दाल, कौमा चावल, छाता, फिर खड़ी पाई। ठीक है, अगर आप चाहो मैम ने जो ये बाजार में वाले जो नाम लिखे ना वो चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखे हैं, यानी जो हमारे पाठ में आए थे, हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं, बाजार में और भी चीज़ें मिलती हैं ना, तो अगर आपको कुछ और लिखना है आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हमें लिखनी आती है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे शैम्पू लिख दोगे लेकिन आपको पता ही नहीं है हिंदी में शैम्पू लिखते कैसे है, हमें सिर्फ बोलना आता है, तो वो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा गृह कार्य है। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट दो है समझदार राजन, उसका नोटबुक वर्क कंप्लीट हो गया और ई मात्रा का हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था जो हमारे बुक में है ना, ई वाली मात्रा, ये वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज ई की मात्रा आपको थोड़ी थोड़ी समझ आए ना। चलो ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।